क्या आप जानते हैं हर साल दुनिया में 30 लाख लोगों की मौत शराब के कारण होती है। मैं मणिपाल हॉस्पिटल बानेर पुणे से कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर रश्मि सातपुते और आज हम शराब की लत के बारे में बात करेंगे। अल्कोहलिज्म को हम अल्कोहल यूज डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थिति में कोई भी इंसान या शख्स को मन में अल्कोहल या शराब पीने की तीव्र इच्छा होती है। फिर उस शख्स या इंसान के जीवन पे कितना भी नेगेटिव असर क्यों ना पड़े, वो इच्छा वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। जो अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, ये केवल मानसिक बीमारी नहीं है, ये जेनेटिक बीमारी भी है, माने ये जीन्स में पाया जाता है। जैसे डायबिटीज़ हो या हाइपरटेंशन हो, वैसे ही अल्कोहल यूज डिसऑर्डर अगर किसी फैमिली मेंबर में है तो चांसेस है या रिस्क हो कि वो उस इंसान को हो सकते हैं। एक स्टडी में ऐसा भी पाया गया है, अगर 15 साल की उम्र में ही शराब लेने की शुरुआत कर लेते हैं तो उन लोगों में शराब की लत लगने के चांसेस जल्दी है। बहुत बार जो कॉलेज के बच्चे हैं या कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी सोशल ड्रिंकिंग बहुत एक्सेप्ट किया जाता है, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन जब सोशल ड्रिंकिंग स्टार्ट होता है आगे जाके ये शराब की लत में बदल सकता है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी या स्ट्रेस, कोई भी इंसान अगर उससे गुजर रहा हो तो वो बहुत बार शराब का सहारा लेता है जिससे उसे बेहतर महसूस होता है, लेकिन अगर ये लगातार उसको सेवन करता है तो उसकी उसे लत लग सकती है। आजकल के जो विज्ञापन है, वेब सीरीज़ है, मूवीज़ है, जो कुछ भी दिखाया जाता है उससे आजकल के यूथ जो बोलेंगे वो प्रभावित होते हैं और उन्हें शराब पीने की इच्छा होती है। ये स्टडी में भी पाया गया है कि जिन राज्यों में अल्कोहल इजीली नहीं मिलता या जिन राज्यों में टैक्स लगाया जाता है या उम्र की जो सीमा लगाई जाती है, वहाँ पे अल्कोहल यूज डिसऑर्डर के पेशेंट्स काफ़ी कम पाए गए हैं, और जिन राज्यों में ईजीली अवेलेबल है, सस्ते में अवेलेबल है, वहाँ पर अल्कोहल यूज़ काफ़ी पाया गया है। अल्कोहलिज्म के ये लक्षण होते हैं, सबसे पहले टॉलरेंस, जिसमें उस इंसान को ज़्यादा मात्रा लेनी पड़ती है ताकि उसे शराब पीने से जो किक मिलती है वो किक मिलने के लिए ज़्यादा मात्रा हर बार लेनी पड़ती है। दूसरा कहेंगे विड्रॉल सिम्टम्स, जिसमें एक इंसान अगर रोज़ एक मात्रा की शराब पीता है, अगर एक दिन अचानक से उसे शराब ना मिले तो उसे हाथ में कंपनी आना, नींद नहीं लगना, बेचैनी लगना, कभी कभी उस पेशेंट को मिर्गी भी आ सकती, जिसको फिट्स बोलते हैं, ये भी आ सकता है। तीसरा लक्षण ये है कि सबसे ज़्यादा टाइम या वक्त वो शराब पीने में, शराब को खोजने में, शराब पाने में लगा देता है। चौथा लक्षण ये है कि ये जानते हुए भी कि शराब से उसके पारिवारिक, शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों पर भी परिणाम हो रहा है, फिर भी वो शराब पीना नहीं छोड़ पाता। शराब के सेवन से दो तरीकों से प्रभाव पड़ता है, फर्स्ट इज़ फिज़िकल एंड सेकंड इज़ साइकोलॉजिकल। तो फिज़िकल में हम सबसे पहले ये देखा जाता है कि मेमोरी लॉस पाया जाता है, जो इंसान कंटिन्यूस अल्कोहल लेता है या शराब लेता है, जब वो 40s में या 50 years में आ जाते हैं तो उनमें मेमोरी लॉस पाया जाता है। दूसरी बात, मिर्गी की बीमारी बन सकती है। विड्रॉल सिम्टम्स में, जैसे मैंने पहले बताया था कि जब भी कोई इंसान विड्रॉल में जाता है तो उसे मिर्गी आ सकती है। मिर्गी आना एक इट्स अ इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन। दूसरी बात, अगर हम देखें तो इससे हमारी आईसाइट पे असर हो सकता है बुरी तरह से, हमारी स्किन अफेक्ट होती है, फिर मुंह का कैंसर, जो अन्ननलिका होती है उसका कैंसर हो सकता है, पेट का कैंसर हो सकता है, इनडाइजेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं। उसके अलावा अल्कोहल पीने से जो पेट का जो लाइनिंग होता है वो ख़राब होने से विटामिन डिफिशेंसीज हो जाती है बहुत सारी है। शराब पीने से मेल्स में ऐसे स्टडी में पाया गया है कि सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, और जैसे सबको पता है लीवर इफ़ेक्ट होता है, लीवर का कैंसर भी हो सकता है। और जब लीवर इफ़ेक्ट होता है तो बॉडी, लीवर का मेन काम होता है कि यू नो इट इज़ एक्चुअली क्लेंज द बॉडी, यू नो, सब मेटाबॉलिज्म होता है, इसलिए ओवरऑल पेशेंट को भूख कम लगने लगती है। शराब के साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी होते हैं, सबसे पहले जैसे एंग्जाइटी होती है, शराब जब लेते हैं या अगर छोड़ते भी है, आगे जाके उस इंसान में एंग्जाइटी की बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो इंसान या व्यक्ति शराब लेते हैं, शराब की लत होती है, उनमें डिप्रेशन का भी पाया गया है, डिप्रेशन के लक्षण आते हैं।
आजकल पोस्ट कोविड ये भी देखा गया है, जैसे शराब की लत बढ़ गई है उन लोगों में, जब अक्यूट इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल बोलेंगे, जब वो शराब के नशे में होते, सुसाइड रेट्स भी बढ़ गए हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बोला कि हेलुसिनेशंस, जब कोई इंसान शराब के नशे में होता है या अगर शराब का नशा भी उतर रहा होता है, उनमें हेलुसिनेशंस होते हैं। हेलुसिनेशंस ऐसे होते हैं जिसमें उनको ऐसे अनुभव आते हैं जो बाकी लोगों को नहीं आते हैं, ऐसी चीज़ें दिखती है या जैसे जो बाकी लोगों को नहीं दिख पाती है। और डिल्यूजन्स भी पाया गया है जिसमें उन लोगों को शक की बीमारी हो सकती है। अल्कोहलिज्म या अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर का इलाज है, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये जो बीमारी है वो माइल्ड या हम बोलेंगे कम तीव्रता जिसकी हो सकती है, वो अपने आप से या खुद से कंट्रोल करके भी ये बंद कर सकते हैं। जो पेशेंट्स में सीवियरिटी, जैसे मैंने बोला मॉडरेट अगर या सीवियर है, उन पेशेंट्स में खुद से कंट्रोल करने में तकलीफ़ होती है क्योंकि विड्रॉल सिम्टम्स बहुत तकलीफ देती है। इन पेशेंट्स ने मेडिकल हेल्प लेनी ज़रूरी है। आप साइकेट्रिस्ट को विज़िट कर सकते हैं जहाँ पे ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे आपके विड्रॉल सिम्टम्स कम से कम आपको तकलीफ़ हो, जिससे आप आराम से उभर के आ सके और अपना जो इच्छा है शराब पीने का वो कंट्रोल कर सकते हैं। साइकेट्रिक हेल्प के साथ साथ डिएडिक्शन सेंटर्स, सपोर्ट ग्रुप्स भी होते हैं जिसके वो मदद कर ले सकते हैं। डिएडिक्शन सेंटर्स में बेसिकली वो शराब से दूर रहते हैं और अपना एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। अल्कोहलिज्म से बचा जा सकता है, सबसे पहले स्कूल्स में या कॉलेजेस में उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। दूसरी बात कि टैक्सेस लगाने चाहिए, कम उम्र के बच्चों को अल्कोहल ना प्रोवाइड करें। बेसिकली हमें यूथ को टारगेट करना चाहिए बिकॉज अल्कोहलिज्म यूथ में काफ़ी बढ़ रहा है। स्ट्रेस मैनेजमेंट लेने चाहिए कॉलेजेस में, कॉरपोरेट्स में, जिससे अगर स्ट्रेस आता है उनको तो उसे एक हेल्दी वे से, हेल्दी तरीके से उसे डील करना चाहिए। और सबसे लास्ट बात, हमें अपने सोशल ड्रिंकिंग पे अगर कोई इंसान कर रहा है तो अपने ड्रिंकिंग हैबिट्स पे ध्यान देना चाहिए। जब भी कभी ऐसा महसूस हो कि ड्रिंकिंग बढ़ रहा है, तभी के तभी जल्दी से मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। Thank you.